हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। आज की खबर में हम लोग बात करने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी के बारे में अभी उनके परिवार वालों ने एक नया बयान जारी किया है और बोला है कि लता दीदी की सेहत काफी ज्यादा सुधर रही है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी को सोमवार को एडमिट करवाया गया था। बोला जा रहा था कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा गंभीर है और उनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था दिल के पास में, और काफी ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा सदमे में आ गए थे कि लता जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, अभी क्या होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लता जी ने अपना 90वां बर्थडे बनाया, जिसके बारे में उनको खुशखबरी के लिए लता मंगेशकर जी को बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे ट्वीट किए गए और उनको काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ भी दी 90वें बर्थडे के लिए। और उसी के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वेंटिलेटर पे भी वो चली गई। और उसके बाद काफ़ी सारी खबरें ऐसी उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे कि लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका है, और इसी खबरों को लेके काफ़ी सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग दुख जता रहे हैं कि लता मंगेशकर जी हमारे से दूर चली गई है। पर उसी के ऊपर अब भी उनके परिवार वालों का एक नया संदेश आया है। ये बोला गया है सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कि लता मंगेशकर जी की जो तबीयत है वो फ्राइडे शाम से काफी बेहतर होने जा रही है और होते ही जा रही है। और लता मंगेशकर जी एक फाइटर हैं, वो हमेशा ही फाइट करती रहती हैं और वो अपनी तबीयत को लेकर भी अभी फाइट कर रही हैं और जल्द से जल्द वो ठीक होकर दुनिया के बीच में अभी फिर दोबारा से जैसे वो हंसती खेलती हुई दिखाई दे रही थी वैसे ही वो दिखाई देंगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी सब चीजें बोली कि हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही है कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, तो इन सब बातों को आप यकीन ना करें क्योंकि लता मंगेशकर जी अभी बेटर हालत में हैं। आई होप गाइस इसके बारे में जान के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी कोई ऐसी फेक न्यूज़ देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप बिलीव ना कीजिए, क्योंकि लता मंगेशकर जी बहुत जल्दी ठीक होकर आप लोगों के बीच में आ जाएंगी और आप लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।